नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी आजमी और आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। एनआरसी एवं कैब के विरुद्ध में जन अधिकार पार्टी लोकसभा के जिला अध्यक्ष ब्रज किशोर यादव जी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय आयाची नगर ऑफिस में जुलूस निकालकर रेलवे स्टेशन तथा शंकर चौक होते हुए विभिन्न मार्गों को लेकर जुलूस निकालकर प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। जुलूस में शामिल हजारों लोगों ने एनआरसी एवं कैब कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे। माननीय जिला अध्यक्ष ब्रज किशोर यादव ने कहा कि सरकार देश की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, गिरती अर्थव्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों में नाकामी छुपाने के लिए एनआरसी एवं कैब के जैसे कानून लाकर लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का कार्य कर रही है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी का कहना था कि एनआरसी गरीबों के लिए घातक साबित होगा। संविधान के अनुसार किसी भी धर्म या नस्ल के लोगों का सम्मान हक होना चाहिए, लेकिन सरकार कैब कानून के माध्यम से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आए हिंदू, जैन, पारसी, सिख, बौद्ध ही नागरिकता की पात्रता रखेंगे, जो एनआरसी कैब को वापस लेने की मांग रखी। जुलूस में युवा शक्ति जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, संतोष झा, तमन्ना शेख, सोशल मीडिया प्रभारी मिथिलेश कुमार यादव, मुस्तकीब मजहर कमाल, रविशंकर, चंदन यादव सहित हजारों लोग शामिल थे।